मैं हूँ शालिनी। वेलकम टू माय चैनल क्लासिक किचन विद शालिनी। फ्रेंड्स, आज हम किचन में गैस पे खाना नहीं बनाने वाले हैं, आज हम खुली हवा में छत पे खाना बनाएंगे। फ्रेंड्स, अक्सर मैं और आप, हम सभी गांव के खाने को बहुत मिस करते हैं, चूल्हे के खाने को बहुत मिस करते हैं। तो इसलिए आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक स्पेशल रेसिपी, दाल मखनी, जो मैं किचन में गैस पे नहीं बनाने वाली हूँ। आज मैं बनाऊंगी ये खुली हवा में, छत पर, चूल्हे पर ये दाल मखनी बनाऊंगी मैं। तो चलिए, वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जा करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए देखते हैं आगे, लेट्स सी अगेन। उड़द की दाल, इस तरीके की हमने उड़द की दाल ले ली है। इसे आपको अच्छे से पानी डाल के धोना है बढ़िया तरीके से, और इसे फिर 2 से 2.5 घंटे के लिए पानी डाल के इसे भिगो के रख देना है। ये भिगने के बाद कुछ इस तरह की हो जाएगी दाल, जो मैंने पहले से ही 2 से 2.5 घंटे से भिगो के रख दिया था। तो ये दाल हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स, हमने ले ली है हांडी, इसमें हम दाल को बनाएंगे। हांडी की बनी दाल अलग ही बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है, तो हम हांडी में दाल को बनाएंगे चूल्हे पर। फ्रेंड्स, जो मैंने ये दाल भिगोई हुई थी वो सारी दाल मैं हांडी में डाल लूँगी। फ्रेंड्स, ये इस तरीके से मैंने सारी दाल हांडी में डाल ली है। अब इसे हम 1 घंटे के लिए चूल्हे पे पकाने के लिए रखेंगे, और इसमें हम डालेंगे 4 कप पानी। आपको ये याद रखना है, दाल से ऊपर रखना है आपको पानी। मैंने इसमें 4 कप लिया है, आप दाल से ऊपर ही रखना है पानी, 4 या 5 कप रखें आप। ये अब इसमें मैंने पानी भी डाल दिया है, तो अब हम इसे पकाने के लिए रख देते हैं। फ्रेंड्स, इसे एक प्लेट से ढक देंगे और 1 घंटे तक इसे इसी तरीके से पकाएंगे, इससे ये कलर, रेड कलर इसमें बहुत अच्छा आ जाए। फ्रेंड्स, दाल तो हमने रख दी है बनने के लिए हांडी में चूल्हे पर। वैसे आप इसे कुकर में भी बना सकते हो, अगर हांडी में नहीं बनाना चाहते हो तो इसे कुकर में भी बना सकते हो। 4 से 5 सीटी के अंदर बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगी। पर कुकर की दाल में, और अगर आप हांडी में या कढ़ाई के अंदर खुले में ये दाल बनाओगे, तो उसमें ये डिफरेंस होता है कुकर की दाल में और इसमें, कि जब कुकर में आप दाल को पकाओगे तो उसके छिलके अलग हो जाएंगे, और जब आप खाओगे तो वो खाने में छिलके भी मुंह में आएंगे, तो वो काफ़ी ख़राब से अच्छा टेस्ट नहीं लगेगा उसका। तो इसलिए आप इसे हांडी में या फिर खुले कुकर में, भंगोने में, किसी भी चीज़ में और में बना सकते हैं। बाकी अगर आपके पास एक ऑप्शन है कुकर, जो आप 4 से 5 सीटी में, उसमें भी बना सकते हैं इसे। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ, आपको होटल पे जब आप रेस्टोरेंट में दाल खाते हो, दाल मखनी, तो आपको इतनी स्वाद, इतनी टेस्टी क्यों लगती है वो? क्योंकि ये कम से कम 8 से 9 घंटे मंदी मंदी आँच में पकाई जाती है। जब होटल या रेस्टोरेंट में सारा काम खत्म हो जाने के बाद जो तंदूर होता है उस पे रात को भगोने में भर के ढेर सारी दाल रख दी जाती है। तंदूर ज़्यादा गर्म नहीं होता है उस टाइम पर, ये रात को रख दी जाती है उस पे। और मॉर्निंग में आकर के जब 8 से 9 घंटे इसे हो जाते हैं मंदी मंदी आँच में पकती रहती है पूरी रात, तो ये एकदम अपना लाल कलर छोड़ देती है, और इसलिए आपको बहुत दिखने में बहुत टेस्टी लगती है, खाने में भी बहुत अच्छी लगती है। इसी तरीके से आप भी इसे कम से कम 1 घंटा पकाएं जरूर, तो ये अपना कलर छोड़ देगी, रेड कलर, तो ये बहुत अच्छी लगेगी खाने में। 1 घंटा हो चुका है इसे पकते हुए, तो अब हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ये दाल के ऊपर ब्लैक कलर का पानी सा आ जाता है, उसे आपको ज़रूर निकालना है इसमें से। जो ब्लैक ब्लैक कलर का पूरे में पानी आएगा, वो आप ज़रूर निकालें इसमें से। अगर वो आप नहीं निकालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत गंदा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको रेस्टोरेंट स्टाइल बनानी है दाल, तो आपको ये ब्लैक कलर का पानी निकालना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से आप इसे साइडों से, बीच में से, जहाँ पर भी ये ब्लैक कलर का पानी दिख रहा है वहाँ से निकाल लें इसे। और आप देख सकते हैं बढ़िया तरीके से गल गई है दाल, 1 घंटे में अच्छी तरीके से बन गई है। अगर आपके पास टाइम है तो इसे 1 घंटे की जगह 3 घंटे पकाइए।
अब इसे हम हांडी को उतार लेते हैं। अब हम इसकी ग्रेवी तैयार करके उसे इसमें मिक्स करेंगे। ये मैं एक कटोरे में सारी दाल निकाल लूँगी। ये आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया तरीके से दाल बिल्कुल प्रॉपर गल गई है, अच्छे से तैयार हो गई है। फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच तेल के। तेल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं 1/2 चम्मच जीरा। जीरे को अच्छी तरह रोस्ट कर लेंगे। जीरा भी रोस्ट हो चुका है, तो अब हम इसमें डाल देते हैं टमाटर का पेस्ट। यहाँ मैंने 4 टमाटर लिए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको टमाटर और सारे मसालों का अच्छी तरह मिक्स करके रोस्ट करना है। फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। अब इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच गरम मसाला। आधा चम्मच धनिया पाउडर। और 1/2 चम्मच कसूरी मेथी। नमक आपको यहाँ पर स्वाद अनुसार डालना है अपने। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी मिर्च तीखा करने के लिए। ये भी आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब इसे अच्छी तरीके से रोस्ट करेंगे। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है, यहाँ पर आप जितना रोस्ट करोगे इस ग्रेवी को उतना ही बढ़िया कलर आएगा। ये आप देख सकते हैं मेरी ग्रेवी में कितना बढ़िया रेड कलर आ गया है। इसमें खुशबू भी बहुत अच्छी आने लग गई है मसालों की। अब हमने जो दाल रेडी की थी वो भी इसमें मिक्स कर देते हैं। ये मैंने सारी दाल इसमें हांडी में मिक्स कर ली है मसालों में। मसाले और मैंने दाल को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब हम इसे रोस्ट करेंगे अच्छी तरीके से। ये मैं यहाँ 1/2 टिक्की मक्खन की डाल रही हूँ। फ्रेंड्स, दाल मखनी की जान होती है मक्खन और मलाई, तो ये यहाँ ज़रूर डालना है आपको। ये ग्रेवी दाल बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हो गई है। अभी हम इसे और इसी तरीके से रखेंगे, पकाएंगे चूल्हे पर। ये आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया हमारी दाल बन के तैयार हुई है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह। अब इसमें मैं ये 1 कटोरी मलाई की डालूँगी। आप यहाँ पर वाइट क्रीम का यूज़ भी कर सकते हैं, व्हाइट क्रीम भी आप इसमें डाल सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं ये कितनी बढ़िया दाल बन गई है। अब इसे मैं ढक के रख दूंगी 5 मिनट के लिए। ये और भी अच्छी तरीके से बन जाएगी। फ्रेंड्स, 5 मिनट हो चुके हैं इसको, तो हम देख लेते एक बार। खुशबू तो इसमें बहुत ही बढ़िया लाजवाब आ रही है। चलिए तो फिर हांडी को उतार लेते हैं। दाल बनके तैयार हो गई है। यहाँ आपको बहुत ही ध्यान से हांडी उतारनी है क्योंकि बहुत गर्म है। यहाँ देख सकते हैं कितनी बढ़िया, इसमें बहुत ही यम्मी यम्मी लग रही है दिखने में, बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह। एक कटोरे में इस दाल को निकाल लेते हैं सारी।
अब इसे हम गार्निश करेंगे। यहाँ मैंने वाइट क्रीम ली है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग गार्निश कर सकते हैं जैसे आपको पसंद है। मैं इसे वाइट क्रीम मक्खन से गार्निश करूँगी। अब इसमें हम डालेंगे एक पीस मक्खन का। वाओ, यम्मी यम्मी, ये बहुत ही दिखने में भी जितनी टेस्टी है खाने में उतनी टेस्टी होगी, बिल्कुल रेस्टोरेंट की तरह।